हे एवरी वन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। बहुत अच्छा आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको काफ़ी सारी नॉलेज होने वाली है ब्रिटिश इंडिया के बारे में, कैसे उन्होंने भारत को कॉलोनी बनाया और थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में भी। ठीक है, आज मैंने स्टूडियो से क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मैप का यूज़ किया जा रहा है और मैप जो है ना उसमें स्क्रीन पर ब्लर आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं। दिस इज रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रिपरेशन, आप लोगों के लिए मात्र 21,999 का ये कोर्स है। इसमें लाइव क्लासेस, 7 बुक्स आपके घर पे, 50 प्लस मॉक्स, पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग जो आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे है। डेमो क्लास भी अवेलेबल है, आप ऐप को डाउनलोड करके डेमो क्लास भी देख सकते हैं। 2025 के लिए विजेता बैच भी चालू हो चुका है। इसके अलावा क्लैट पॉइंट के जो और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी, आप इन कोर्सेज की भी डिटेल चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके। देखो, कल एक आर्टिकल आया था द हिंदू में शशि थरूर जी का कॉलोनियलिज्म के ऊपर, तो उसी आर्टिकल को एक्सटेंड करते हुए मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में अध्ययन कर रखा है पहले भी जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, बट कल भी मैंने थोड़ा सा उस आर्टिकल को भी पढ़ा, फिर मैंने और भी आर्टिकल्स देखे, तो वो आर्टिकल डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम अलग से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आपके लिए मैं लेके आया हूँ पीपीटी के अंदर, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो ना, एक बेसिक टर्म होती है इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। हम वैसे ये भी बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स इंपेरियलाइज इंडिया या कॉलोनाइज इंडिया, दोनों ही शब्द हम यूज़ करते हैं, बट ये दोनों ही शब्द ना अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझते हैं, ये आप लोगों को फ्यूचर में काम में आएगा, लेकिन एक बेसिक अंतर आपको समझ में आना चाहिए। देखो, इंपेरियलिज्म क्या है, ये एक थ्योरी है। क्या है ये? थ्योरी है। इस थ्योरी का प्रैक्टिकल वर्जन जो है ना वो कॉलोनियलिज्म है। अब कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई 500 लोग जो हैं लार्ज संख्या में जाके दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या ये कॉलोनियलिज्म कहलाएगा? तो जवाब है नहीं। एक एग्जांपल ले लो कि 500 लोग जाके अर्जेंटीना में जो है शिफ्ट हो गए, तो क्या ये कॉलोनियलिज्म है? नहीं। पर वो 500 लोग शिफ्ट होके अर्जेंटीना के लोगों को दबाने लगे, वहां पे जाके उनके लोगों का एक्सप्लॉइट करने लगे, तब ये क्या है? कॉलोनियलिज्म है। इंपेरियलिज्म इज नथिंग, इट जस्ट एन थ्योरी। इंपेरियलिज्म के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि भाई आप डायरेक्ट उस कंट्री के अंदर जो है डिप्लोमेसी फोर्स का यूज़ करके कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो। इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो सामने वाली कंट्री जो है आपके उस वजह से आपसे डर के चीज़ें कर रही है। तो बेसिकली इंपेरियलिज्म इज ए कॉन्सेप्ट जिसका प्रैक्टिकल वर्जन कॉलोनियलिज्म है, आप समझ रहे हो, बट दे आर नॉट सेम, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटिशर्स ने भारत में इंपेरियलिज्म भी लाया हुआ है, कॉलोनियलिज्म भी किया हुआ है, तो वो दोनों टर्म साथ साथ यूज़ किए जा सकते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इंपेरियलिज्म इज अ मेनली कॉन्सेप्ट और उसका जो प्रैक्टिकल वर्जन है ना वो कॉलोनियलिज्म है। ये एक बेसिक आपको मैंने समझाया है, इसमें बहुत डिटेल में ये लेक्चर ही 1.5-2 घंटे का होता है लेकिन आपके काम का नहीं है उतना, तो अभी हम उतना नहीं जान रहे, पर बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो, कॉलोनियलिज्म का और भी क्या मतलब होता है? कॉलोनियलिज्म का और भी मतलब ये होता है कि जैसे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भारत को एक्सप्लॉइट किया। कैसे किया? भारत का ही रॉ मटेरियल भारत से बाहर जाता था। कहाँ जाता था? यूके में जाता था। वहाँ पे उसको चीज़ें बना बना के करके वापस कहाँ ला के बेच देते थे? इंडिया में बेच देते थे। सारा पैसा कौन कमाता था? यूके कमाता था। तो ये जो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, इसने सिर्फ हमारे साथ नहीं किया, ये विश्व के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ किया है। कल शशि थरूर का जो एडिटोरियल था ना, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि देखो, कॉलोनियलिज्म के ऊपर वो हमेशा कट्टर रहे हैं। आपने उनकी एक स्पीच भी सुनी होगी यूके में, तो वहाँ पे भी उन्होंने कॉलोनियलिज्म को धोया था। तो उन्होंने कल के आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम लिखे हुए हैं कॉलोनियलिज्म के ऊपर कि भाई जो ये कॉलोनाइज किया है ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया को नहीं और भी कंट्रीज़ को, तो उसका बहुत दुष्परिणाम रहा है। जैसे कि उन्होंने कंट्री का नाम लिखा था ईस्ट तिमोर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी लोकेशन देखना, ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ना तिमोर आइलैंड है। क्या है ये? तिमोर आइलैंड। मैंने इसीलिए आज स्क्रीन पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। मेरा मेन पर्सपेक्टिव है कि हमारे बच्चों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये देखो, जो ये पूरा तिमोर आइलैंड है ना, इसमें जो ये रेड वाला पार्ट है इसको बोला जाता है ईस्ट तिमोर, ये एक अलग कंट्री है। और ये जो आप दूसरा वाला पोर्शन देख रहे हो जो कि येल्लो टाइप में है, ये आज की डेट में गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। अब आपको मैं बताता हूँ, सिर्फ कॉलोनाइजेशन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज ने किया था। अब अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगा कि सिर्फ ब्रिटिशर्स में नहीं करा था, इसमें पोर्चुगल भी था, फ्रांस भी था, डच भी था, काफ़ी सारे कंट्रीज थे, बेल्जियम भी था। तो
तो ये सभी कंट्रीज को ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोलते थे क्योंकि ये लोग ईस्ट से आके भारत में या फिर एशियन कंट्रीज में राज करते थे, तो इसलिए इनको ईस्ट इंडिया कंट्रीज कहा जाता था। अब इसमें से देखो कुछ कंट्रीज का जो मोटिव रहता था वो ये रहता था क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना, जैसे कि पोर्चुगीज जो है ना वो इतने क्यों नहीं पनप पाए भारत में, ये लोग ना अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते थे कि यार हमें अपना रिलीजन भी प्रीच करना है। ब्रिटिशर्स का हमेशा से ये था कि भाई पैसा बनाना है, तो उन्होंने तो वो किया है। तो अब हम वापस से आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो ये जो कंट्रीज हैं इनमें से बहुत सारी कंट्रीज ने कॉलोनी बनाया हुआ है, तो पोर्चुगल ने आपका जो है तैमूरपुरी जो ये आइलैंड था ये पूरा का पूरा कॉलोनी था किसका, पोर्चुगल का। आपको याद होगा कि 71 के आसपास आई थिंक ऐसी 70s कुछ एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा मुझे, जब गोवा से पोर्चुगल वालों को भगाया था हमने, उसी समय जो है ईस्ट तैमूर को भी 1975 में पोर्चुगल ने छोड़ दिया था। ठीक है, ईस्ट तैमूर बोल रहा हूँ, पूरा तैमूर बोल सकते हो। तो जैसे ही पोर्चुगल यहाँ से गया ना, इंडोनेशिया बगल में था, वो आके भैया इनको पूरा को पूरे को अपने अंडर में ले लेता है। फिर क्या हुआ, ईस्ट तैमूर के लोगों ने जो है उस समय ईस्ट तैमूर कुछ था नहीं, मतलब इस साइड के जो ज़्यादा जनता थी उन्होंने जो है ना इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। क्या उठाई, आवाज़ उठाई। और एक और चीज़ है, कॉलोनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन का मतलब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा जिन भिन जगहों पर कॉलोनी बनाई गई है। तो ईस्ट तैमूर पे इंडोनेशिया ने कैप्चर कर लिया, ईस्ट तैमूर के लोग जो हैं इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने लगे। इन्होंने आवाज़ उठाया कि भाई ये क्या हो रहा है, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और एक इंसिडेंट था 1992 का जिसमें इंडोनेशिया की पुलिस ने तीमूर के काफ़ी सारे लोगों को मार भी डाला था। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा इंडोनेशिया में और फिर रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम तो जानते ही हो आप, रेफरेंडम का बेसिक मतलब होता है कि वोटिंग कराना कि भाई हम आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। तो वहाँ रेफरेंडम में फिर ईस्ट तैमूर का नया स्थापना होती है, एक नई कंट्री बनती है ईस्ट तैमूर। उसके बारे में थोड़ा सा देख लो, दिल्ली इनकी कैपिटल है और 13.2 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, तिमोर लेस्टे भी इनको बोलते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं अब यहीं पे। तो उसके बाद क्या हुआ, 1992 के बाद भाई ईस्ट तैमूर जो है ये एक नई कंट्री बन जाती है। लेकिन आज भी यहाँ पे हालात सही नहीं है, यहाँ पे वॉयलेंस होते रहते हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइप के विचारधारा हैं। तो जो शशि थरूर जी थे वो अपने एडिटोरियल में कह रहे थे कि यार ये सब किस चीज़ का प्रॉब्लम है, ये कॉलोनाइजेशन का तो ही आज तक इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ऐसा थोड़ा कि उस समय कॉलोनाइजेशन था तो अब आज सही हो गया है। वो कहते हैं कि लोग मेरे से कहते हैं कि भाई कॉलोनाइजेशन तो अब पास्ट की बात है, आप बार बार उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो उस पर शशि थरूर जी का कहना है कि भाई ऐसा थोड़ा है कि उसका इम्पैक्ट आज भी नहीं है, है आप यार इंडिया का एग्जाम्पल लो, छोड़ो आप सारी चीज़, आप लोग ना इंडिया का एग्जाम्पल लो। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे देश में जो काफ़ी सारा डिवाइड एंड रूल सबसे पहले कौन लाया था, ब्रिटिशर्स लाया था। चलो इसी पे मुझे क्वेश्चन बता दो कि डिवाइड एंड रूल या फिर जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट था ये कौन से एक्ट में और किसके द्वारा लाया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, सबसे पहली बार वो बताना। चलो तो इंडिया में देखो जो जात पात है ये सारी चीज़ें ये कौन लाया है यार, ये ब्रिटिशर्स लाए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था आपको पता है, हमारी आर्मी के अंदर ये कहा था कि एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर वर्ग बस यही शामिल हो सकते हैं। आज की डेट में आप देखो तो उस समय आपको अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे कि बहुत सारे कम्युनिटी के लोगों को आर्मी में शुमार होने नहीं दिया जाता था। तो यही सब तो था जिस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने हेट्रिड क्रिएट करी थी। इसके बाद देखो शशि थरूर ने जो है ना इंडोनेशिया का भी एग्जाम्पल वो तो बता ही दिया मैंने आपको, इस तैमूर वाला। इसके बाद शशि थरूर साहब बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर को भी आधे हालत पे छोड़ के चले गए। भाई ब्रिटिशर्स ने कुछ सॉल्यूशन तो निकाला नहीं, आधी बात करके छोड़ के चले गए, जम्मू कश्मीर में आज तक प्रॉब्लम है। म्यांमार के अंदर जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो वो ब्रिटिशर्स की देन है, उन्होंने यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, बस छोड़ के चले गए। अफगानिस्तान में जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो ये भी ब्रिटिशर्स की देन है, आपके कॉलोनाइजेशन की देन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देखो, ये मैप देखना आप, ये जो मैप है ना ये साइप्रस का है। किसका है, साइप्रस। आप साइप्रस में देखना जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला आज भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, टर्की के द्वारा। देखो था यहाँ पे ये कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करते थे, ठीक है, तो इस जगह पे साइप्रस में कुछ लोग जो थे वो ग्रीस के सपोर्टर थे, वहाँ पे ग्रीस कम्युनिटी रहती थी, कुछ लोग थे टर्की के सपोर्टर थे। तो टर्की ने क्या किया ना, 1974 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो इस पर अटैक कर दिया और ये पोर्शन अपने अंडर में ले लिया। ऑल्दो आज तक किसी विश्व की कंट्री मतलब विश्व ने वर्ल्ड ने इसको रिकोगनाइज नहीं किया एज ए सेपरेट कंट्री, बट टर्की इसको अपनी मानता है। और ये जो है ना ये साइप्रस है जहाँ पे मोस्टली ग्रीस लोग अभी रहते हैं। तो 1974 में ये किया गया, तो ये भी किसकी देन है, ब्रिटिशर्स की देन है भाई, आप कोई सोल्यूशन निकाल के नहीं गए हो। एक और एग्जाम्पल ले लो, इसराइल में आपको पता है जो पैलेस्टीन वाला इशू है, आपने डिटेल में याद करो जब मैंने आपको इसराइल पैलेस्टीन इशू पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पैलेस्टीन जो है पहले
वो जो एरिया होता था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होता था और वहीं से सारी प्रॉब्लम्स की जड़ शुरू हुई थी। ठीक है, उन्होंने वहाँ भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाला, आधी बात करके चले गए। फिर आप यहाँ पे देखिए इथोपिया एंड एरिटेरिया का इशू देखिए, आपको ये भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कभी हम बता देंगे मैं आपको कि एरिटेरिया एंड इथोपिया में जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम होती है ना, ऐसी चलती रहती है। इसके पीछे भी रीज़न है आपके यूरोपियन कंट्रीज़, इटली का यहाँ पे शासन रहता था, कॉलोनाइजेशन इटली ने किया हुआ था। ठीक है, और देखो आप देखते चलो, ये देखो आपकी कंट्रीज़ हैं रवांडा एंड बुरुंडी। ठीक है, बुरुंडी का तो आपने काफ़ी नाम सुना होगा, वन ऑफ द वर्ल्ड की सबसे गरीबेस्ट कंट्री है। तो ये भी कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स मतलब उस समय बेल्जियम वाले के जो लोग थे उनकी कॉलोनी थी ये। उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे मतलब कास्ट टाइप का क्रिएट कर दिया कि हुटूज अलग होते हैं, टूटीज अलग होते हैं। ये वहाँ पे कास्ट दो इन्होंने अलग अलग बना दी। इससे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे भी लोगों के अंदर आपस में बंटवारा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया और आज तक वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये देखो ग्रेट, एक और यहाँ पे वर्ल्ड का एक आपको मैं और फैक्ट बता देता हूँ, अगर कहीं आपसे पूछ लें कि ग्रेट लेक रीजन क्या है विश्व के मैप में, तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये ग्रेट लेक रीजन है जिसमें उगांडा, कॉन्गो, अफ्रीका, टेंजिया, बुरुंडी एंड रवांडा, ये कंट्रीज़ को ग्रेट लेक रीजन कहते हैं। एक ऐसे ही मैंने आपको बताया था नॉर्डिक कंट्रीज़ किसे कहते हैं, है ना। चलो बाद में बात करेंगे उन सब की। फिर श्रीलंका को देख लो, श्रीलंका में तमिलियंस और जो वहाँ के लोकल श्रीलंकन पीपल थे उनके बीच में भी हेट्रेड क्रिएट किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। मतलब ब्रिटिशर्स कैसे करते थे, ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी कैसे करती थी, ये लोग ना डिवाइड करते थे, ये लोग ऐसी चीज़ें करते थे अपने एक्टिविटीज़ में जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी। देखो इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आते से ही भारत में ये डिवाइड एंड रूल हुआ, पहले भी था। देखो जब मुगल रूलर्स आए थे भारत में तो उन्होंने क्या किया था यार, कुछ रूलर्स को छोड़ दो तो ये फैक्ट है कि कन्वर्जन और ये सब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किया जा रहा था उनके द्वारा। तो वहाँ से भी आप ये देख सकते थे कि लोगों के मन में दूसरे के प्रति भावना नहीं अच्छी रहती थी। कहीं 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 देखने में ये आता है कि जो उस समय के मुगल रूलर्स थे या उनके जो सपोर्टर्स थे वो बाकी लोगों को सप्रेस क्लास समझते थे, उनको बिल्कुल छोटा समझते थे, तो उस तरीके की चीज़ें होती थी। तो ऐसा नहीं है कि तब नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये और ज़्यादा हो गया। फिर सेपरेट इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट आया, आपको याद होगा। आपको मैं एक और इसी पे एक फैक्ट बताता हूँ कि 1942 यही है ईयर, वो पूना पैक्ट हुआ था यार, ये आप चेक कर लेना, 1932 भी हो सकता है, मैं कंफ्यूज हूँ, आई थिंक 1932 है, ये मैं आपको कल बता दूंगा। पूना पैक्ट हुआ था यरवदा जेल के अंदर, किस किस के बीच में? अंबेडकर साहब के बीच में और गांधी जी के बीच में। पता है आपको ये पैक्ट क्या हुआ था? जैसे कि सेपरेट इलेक्ट्रोड क्या कहता था कि मुस्लिम्स को मुस्लिम वोट करेंगे, उनका बंदा खड़ा होगा, हिंदू को हिंदू करेंगे, है ना। सेपरेट इलेक्ट्रोड का कॉन्सेप्ट ये था, सेपरेट इलेक्ट्रोड में क्या था कि भाई अगर इस एरिया में मुस्लिम लोग हैं तो वो मुस्लिम बंदे को वोट करेंगे, हिंदू जो है वो अपना हिंदू लीडर को ही वोट कर पाएगा। तो ऐसे उन्होंने भेदभाव क्रिएट किया था। तो क्या हुआ ना कि ये पूना पैक्ट में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ना एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी ये कर दिया कि भाई ये लोग भी सेपरेट इलेक्ट्रोड देंगे, इनका लीडर अपना होगा और वो अपने ही लीडर को वोट देंगे। अंबेडकर साहब इसके सपोर्टर थे, तो गांधी जी ने जो है ना फास्ट रखा था। तो पूना पैक्ट के अंदर फिर डील हुई थी गांधी जी एंड अंबेडकर जी में कि भाई ये सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं होगा, हम रिजर्व कर देंगे सीटें कि इस जगह से एससी एसटी कैटेगरी के लोग खड़े होंगे और सभी लोग उनको वोट देंगे, जिससे कि गांधी जी चाहते थे कि अब और डिवाइड ना हो हमारे देश के अंदर। तो वो पूना पैक्ट था। तो ये सब कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स ने कितना पूरे उत्पात मचाया है विश्व की कंट्रीज में, मतलब वो अपने आप में एक मतलब बताने वाली चीज़ नहीं है। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिसके बाद ये चीज़ें हैं, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि 1992 में ये सब चीज़ें हुई थी तैमूर वाले में, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आई थिंक 2002 में ईस्ट तैमूर इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, इंडोनेशिया से आज़ादी मिली थी रेफरेंडम के बाद ऑफिशियली। तो ये चीज़ें थी। तो कॉलोनियलिज्म जो है ना वो शशि थरूर जी के हिसाब से या फिर एक्चुअल में भी आप देखो तो ऐसा नहीं है कि अब ख़त्म हो गया है तो उसका इम्पैक्ट नहीं है। उसका इम्पैक्ट है यार, हम आज भी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं ना, मतलब हम जान के नहीं लड़ रहे हैं, उनके वजह से ही लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरीके की सिचुएशन किसके द्वारा क्रिएट करी गई? ब्रिटिशर्स के द्वारा। एक रेड क्लिफ लाइन खींच दी उन्होंने। अब आप एक बात सुनना, मैं आपको ना एक मैप बताता हूँ। चलो इंडिया का मैप मैंने आज यहाँ पे डाला नहीं है, आप एक एग्जांपल ले लो। मान लो यार ये कोई कंट्री है, ठीक है, पहले ये कोई कंट्री थी ऐसे, ठीक है। अब एक किसी बंदे का मन आता है कि मैं इस कंट्री को डिवाइड करता हूँ, ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये एक अलग कंट्री हो गई, ये एक अलग कंट्री हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि आप यहाँ रहते हो, आपकी चाची यहाँ रहती थी, आपकी नानी यहाँ रहती थी, आपके मामा यहाँ रहते थे, आपके और भी जो रिलेटिव हैं वो यहाँ रहते थे,
अब भाई ये तो आपने लाइन अपने मन से खींच दी, आपने ना ज्योग्राफिकली कुछ पढ़ाई करी या भी नहीं देखा कि अगल बगल के लोगों का क्या रिलेशन है, किसके साथ हैं, क्या हैं, बस आपने मन में आया लाइन खींच दी। ऐसी तो रेडक्लिफ लाइन खींची थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मन आया रेडक्लिफ साहब को, उन्होंने मैप उठाया घर बैठ के लाइन खींच दी, कोई जाके उन्होंने वहां अध्ययन थोड़ा किया था, मैप उठाया उसमें लाइन खींच दी। तो ये सब ब्रिटिशर्स की देन है और उसकी वजह से भाई पूरा विश्व में आज तक दिक्कत है, तो ये वाली चीज थी। ठीक है, अब आज का न्यूज़पेपर उठाते हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए। तो देखिए ये फ्रंट पेज है हमारा, तो इसमें देखिए सबसे पहली न्यूज़ है महाराष्ट्र यूपी अमोंग 7 स्टेट टू गेट टेक्सटाइल पर्क्स। ठीक है, मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ है नहीं। टाइगर हेल्प्स अनकवर टिम्बर डिपोर्ट्स इन अरुणाचल रिजर्व। ठीक है, टिम्बर को स्मगलिंग अलाउड नहीं होती, आपको पता होगा। बिहार इज ए ड्रंक मतलब ड्राई स्टेट, तो वहाँ पे देखो एक ड्रंक मैन ने अपनी शादी ही मिस कर दी है, तो ये भी प्रॉब्लम है। सब मतलब वही है यार, कोई एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ है नहीं। ठीक है, फिर देखो जो रीजनल वाले पेजेस होते हैं ना, यहाँ तो वैसे ही बहुत कम कुछ मिलता है खास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजल टू क्वैच समन्स अगेंस्ट कार्डिनल, कुछ काम का नहीं है ये। एडिटोरियल देख लेते हैं, फोरकास्ट आफ्टर अ फेक न्यूज़ कैंपेन इन तमिलनाडु, हाउस मैटर्स, जो पार्लियामेंट में दिक्कत हो रही है, मैंने आपको बताया है कि सेशंस नहीं चल पा रहे हैं, कोई राहुल गांधी के अगेंस्ट में कि उन्होंने यूके में जाके क्यों ऐसा कुछ बोल दिया, और कुछ जो है बीजेपी गवर्नमेंट को अडानी के लिए घेर रहे हैं। एंडलेस डिले, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन शुड नॉट बी हेल्ड होस्टेज टू, ये वही दोनों आर्टिकल सेम ही टाइप से हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पेज भी आप देख लेना। देखो न्यूज़पेपर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए पढ़ना चाहो ठीक है, काम की इसमें चीज़ें जो निकलती है ना सिर्फ उतना देखना होता है, वो आपके करेंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सीकिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम रॉ ऑन जजेस नॉट यूजुअल से रिजिजू इन लोकसभा, ये देखो आपको पता है ना क्यों हुआ है, मैं बताता हूँ। हमने सौरभ कृपाल जी का नाम सुना था, गे लॉयर को जज बनाने की बात हो रही थी, तो उसमें बोला गया था कि रॉ से जो है उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि उनका स्विस बंदे के साथ जो है वो रिलेशन था, और इस वजह से उनको फिर जज नहीं बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, आगे उनका नाम फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है, जबकि कॉलेजियम ने उनका नाम फिर से रिकमेंड किया है। तो उस पर रिजिजू जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम हर किसी जज के रॉ से पता करवाते हैं, लेकिन हाँ जरूरत पड़ने पर करते हैं, और ऐसा मुझे लगता है कि अगर सरकार को लगता है तो किसी भी बंदे को इतनी बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट करने से पहले अगर ऐसा किया भी जा रहा है तो कोई गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सौरभ कृपाल को जज नहीं बनाना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ किसी भी बंदे का बैकग्राउंड चेक करने में कोई गलत नहीं है। कल को आप सोचो कोई प्राइम मिनिस्टर बने और कुछ अलग विचारधारा का बन जाए, तब क्या कर लोगे? यूएस, अच्छा अलग विचारधारा का मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई रिलीजियस्टिक विचारधारा है कुछ ऐसा, मतलब सोचो कि कोई किसी दूसरे कंट्री का फेवर वाला बंदा बन जाए या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाएं, तो कौन जिम्मेदार है? फिर यहाँ पे यूएस टेल्स बाइट डांस टू सेल शेयर्स इन टिकटॉक और बी बैंड, सेज रिपोर्ट। क्योंकि टिकटॉक के देखो क्या हुआ था, जब बैन होने लगा था ना तो यूएस की कंपनी ने इसमें शेयर खरीद लिए थे, तो उस पर ये आया है। ब्राजील प्रेसिडेंट लुलू टू पे स्टेट विजिट टू चाइना इन लेट मार्च बीजिंग। ठीक है, रामशे प्रसाद यादव इलेक्ट एज थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। एरोडगन आस्क पार्लियामेंट टू वोट ऑन फिनलैंड्स बिट टू ज्वाइन नेटो, तो ये तो चलो नेटो को कर भी देंगे, पर टर्की पीछे पड़ा है ना, मैंने बताया हुआ है आपको ये पूरा मामला, क्यों करेंगे ये भी मैंने आपको बताया है। आपको वो आर्टिकल याद होगा, इस्लामोफोबिया इन स्वीडन, तो ये है कि स्वीडन के साथ दिक्कत हो रही है क्या, और फिनलैंड उसका पड़ोसी है, तो टर्की फिनलैंड को भी जल्दी सपोर्ट करेगा नहीं। जी जिनपिंग टू पुश यूक्रेन पीस प्लान ऑन रशिया विजिट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुतिन ओवर यूक्रेन, ये एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि क्या आपको लगता है कि पूरे विश्व की किसी भी आर्मी में अभी इतना दम है कि वो रशिया के पुतिन साहब को अरेस्ट कर ले? तो मेरा जवाब है कि भाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो हो नहीं पाएगा। आपने निकाल दिया है वो अलग बात है, ऐसा नहीं कि मैं रशिया का सपोर्टर हूँ, पर ये फैक्ट है भाई, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अभी। कॉनवे हिट्स हाफ सेंचुरी एज कीवीज। ठीक है, तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज।